शास्त्रों में लिखा है कि यत्र नारेस्ति पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस घर में नारी की पूजा होती है उसी घर में देवताओं का वास होता है। मेरे साथ रायबरेली सदर की विधायिका हैं, अदिति सिंह नाम है। अदिति जी, ईटीवी में स्वागत है आपका। ट्रांजिशन हुआ यूएस से भारतीय राजनीति में और रायबरेली के सदर विधायक बनने में, उस फेज के बारे में थोड़ा इलैबोरेट। जब मैं वापस हिंदुस्तान लौटी तो मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी कम ठीक रहने लगी थी, और उसके बाद फिर हमने ये निर्णय लिया कि मुझे राजनीति में कदम उतारना पड़ेगा। और बेशक उस समय बहुत डर लगा था, पर मेरी जनता का, मेरे परिवार का तो था ही, पर साथ ही साथ मेरी जनता का बहुत सहयोग था। चुनाव लड़ी मैं और 90,000 वोटों से जीती। यू डिराइव दैट इंस्पिरेशन, कहाँ से आपको वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मेरी माता जी की अगर मैं बात बताऊँ तो वट एवर माई सिस्टर एंड आई आर, जो भी हम लोग को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, जो भी हम लोग में आकांक्षाएँ हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने क्षेत्र को लेके, जो भी एम्बिशंस हैं, दे आर ऑल ड्यू टू माई मदर। तो हम लोग एक कंजर्वेटिव फैमिली में बड़े हुए थे, और उस समय तो बहुत सारी बातें अपने पिताजी से, अपने पापा से चाह के भी नहीं कह पाते थे। तो अपने सारे जो ड्रीम्स थे, होप्स थे, एम्बिशंस थे, आई वाज ऑलवेज वेरी एम्बिशियस। अगर मैं यहाँ आज एमएलए नहीं होती तो या तो मैं डॉक्टर होती या इंजीनियर होती या कोई बड़ी बिजनेस वुमन होती, पर डेफिनेटली मैं घर पे बैठने वाली लड़कियों में नहीं हूँ। मैं जो भी करती बहुत अच्छे से करती, इतना मुझे अपने आप पर आत्मविश्वास है कि मैं जो भी करती बहुत अच्छा करती, चाहे मैं बाहर नौकरी करती। और ये कॉन्फिडेंस मुझ में मेरी माता जी ने इंस्टिल किया था। अपनी सहेलियों को सशक्त बनाइए, और मेरे ख्याल से असली सशक्तिकरण तब आता है कि व्हेन यू नो योर राइट्स, जब आप ये जानते हैं कि ये हमारे हक हैं। रिलेटेड कोई भी, कोई नीति हो, कोई योजना हो, अपने आप को एजुकेटेड रखिए उनके बारे में, अपने आप को जानकार रखिए इस बारे में, चाहे आप पढ़िए, चाहे आप कहीं से भी जानकारी प्राप्त करें बाय द मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स और बुक्स, पर अपने आप को आप जानकार रखिए कि ये हमारे हक और अधिकार हैं और इनको एक हद से ज़्यादा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। अदिति सिंह का तो यही कहना है कि उनकी रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उनकी माँ के शहर, उनके क्षेत्र की महिलाओं को उनके हक को पहचान कराना उनका लक्ष्य है। ईटीवी भारत के लिए रायबरेली से प्रणव कुमार।